मैम ये एक्सरसाइज खुद से करके देख लेंगे, छोटी सी तो बिल्कुल एक्सरसाइज है मैम, हाँ, ये इजी भी है, आगे करा बट दूंगा। क्या बात है, बट जिनके लिए नए है ना उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, हम आगे नहीं कर सकते, पहले मुझे उनसे बात करनी पड़ेगी। तो मैम अभी मैं मैं बात पहले आप ये मैम सोच, आगे मैम करवा मैं दूंगा, कर लेंगे प्रिंस के मैम, साथ, फिर डाउट ले लेना। हाँ कल डाउट बिल्कुल ले लेना, आज कर लेंगे हम इनको। यस मैम, आज कर लेंगे। यस मैम, तो एक काम करो, इतने जिन पहले वन टू वन मुझे बताइए आप लोग किस किसके पास पहले मैथ था, मैं इस चीज की अलग से फाइल बना रही हूँ, हैंड रेज वो करेंगे बेटर हम, रहेगा। क्या मैम हैंड रेज कर रहे हैं हम सब, जिनके कर ले पास मैम, मैथ था। हैंड रेज है। ओके okay. ओके 20 पीपल ऐसे हैं जिनके पास मैथ सब्जेक्ट की बार 21। ज्यादा तो ना वाले हैं थी मैम पर कभी पढ़े नहीं। हाँ यस बट मैम, मतलब उस हिसाब से ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल कोई दिक्कत ही नहीं है। अब हम अटेंडेंस लेते हैं भाई, जिसका मैं नाम लूंगी उसको, ठीक है? आज प्रेजेंट अटेंडेंस हूँ, भी ये हैंड्स दूसरा डाउन कर नंबर ले पे। मैम। हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए, मैंने नोटिंग कर ली है। बताइए आरती। ये प्रेजेंट मैम। ओके अजय। प्रेजेंट मैम। अल्पना। अल्पना प्रेजेंट मैम। चिंतू। प्रेजेंट मैम। अमन। अमन अनामिका। प्रेजेंट मैम। अंशिका। यस मैम। प्रेजेंट अनु। मैम। अर्पित। यस मैम। डिम्पी। प्रेजेंट मैम। गरिमा। गरिमा जिंदल। प्रेजेंट मैम। गौरव। प्रेजेंट मैम। हरिकेशव। हरिकेशव नहीं है। हर्ष। हर्ष और हर्ष सिंगल। यस मैम। हर्ष भाई, एक हर्ष की आवाज आई है, दूसरा हर्ष। आप हर्ष सिंगल हो या फिर? सिंगल मैम। मैम ओके मैम, आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। यस अब मैम। ओके यस मैम। ओके हिमानी। प्रेजेंट मैम। कनिका। प्रेजेंट मैम। कनिष्का। प्रेजेंट मैम। हिमांशु। हिमांशु। कुमकुम। प्रेजेंट मैम। करीना। प्रेजेंट मैम। लक्ष्मी। प्रेजेंट मैम। कुणाल। प्रेजेंट मैम।
मनीष प्रेजेंट मैम. मानसी प्रेजेंट मैम. मनमय प्रेजेंट मैम. मोहित कटानी यस मैम. पूजा यस मैम. नेहा प्रेजेंट मैम. पिया प्रेजेंट मैम. प्राची प्रेजेंट मैम. प्रिया प्रेजेंट मैम. रमन प्रेजेंट मैम. रश्मि प्रेजेंट मैम. रितु यस मैम. रिया प्रेजेंट मैम. साहिल प्रेजेंट मैम. संजीत संजीत. शेफाली प्रेजेंट मैम. सृष्टि प्रेजेंट मैम. शुभम यस मैम. सोनिया प्रेजेंट मैम. सोनू प्रेजेंट मैम. सुजल यस मैम. तुषार यस मैम. तरुण प्रेजेंट मैम. उज्जवल प्रेजेंट मैम. वैभव प्रेजेंट मैम. पंकज प्रेजेंट मैम. विशाल यस मैम. वैभव गोयल प्रेजेंट मैम. मान्यता प्रेजेंट मैम. मनोज मनोज. सूरज यस मैम. गरिमा मनोज मैम. क्या गरिमा प्रेजेंट मैम. सावन प्रेजेंट मैम. जुगल जुगल. वंशिका वंशिका. बालकिशन बालकिशन. मैक प्रेजेंट मैम. मैं ओके ओके. तो टोटल यहाँ पर ओके. चलो अब हम एक काम करते हैं. नाइन ठीक है. अब हम इसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक करते हैं. नाइन स्टूडेंट्स मिसिंग है. ठीक है चलो देखते हैं. मैम हम मैम आपकी साउंड बहुत कम आ रही है. एक्सक्यूज मी मैम. अभी भी साउंड कम आ रही है. बीच में आ रही मैम. ओके वो ठीक है. हाँ जी बोलिए मैम. मेरी अटेंडेंस मार्क नहीं हुई. हर्ष तो इसका कोई शुभ रीजन मैम. नेटवर्क की वजह से मैम. कनेक्ट नहीं हुआ मैम. डिस्कनेक्ट हो रहा था बार बार. ओके हर्ष ठीक है मैंने अपडेट कर दिया. हाँ जी अर्पित कुछ कहना चाहते हो क्या आप? मैम मेरी भी एक मिनट. अभी निफ्या ने बोल रहे क्या? यस मैम आपने मेरा नेम ही नहीं लिया. हाँ इसमें था नहीं. एक मिनट हो सकता है कुछ इशू रहा हो. मैं लिख लेती हूँ नाम आपका. यस मैम. मैम अब क्या कराओगे? अब हम इसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन करते हैं. मैम इसका थर्ड क्वेश्चन बताना एक बार. सेकंड क्वेश्चन 13th ओके. या देखो 13th क्वेश्चन देखते हैं हम. गुड वन इसमें क्योंकि कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं. देखो 13th क्वेश्चन अगर हम देखें 13th में ये दिया हुआ है. ठीक है ऑल इंटीग्रल x का मतलब x की वैल्यू सभी इंटीजर्स है. ठीक है देखो x की जगह हम कोई भी इंटीजर यहाँ पे पुट करके देखते हैं. एक बार तो जीरो ले लेते हैं चलो. ठीक है अगर मैं यहाँ पे जीरो रखती हूँ किसी भी चीज की पावर जीरो होती है तो वो वन होता है. ठीक है देखो किसी भी चीज की पावर जीरो वन होता है तो ये बनेगा ओवरऑल रिजल्ट जीरो.
ये तो देखो जीरो के हिसाब से अगर मैं देखूं, ये वाला ऑप्शन तो कट ही हो गया, बचे सिर्फ दो ऑप्शन, हो सकते हैं टू भी आंसर आए, तो देखो कुछ और वैल्यू जीरो के अलावा जो भी वैल्यू पुट करेंगे सिर्फ और टू, जीरो और टू ही आंसर आएंगे मैम हर वैल्यू पे। यस बिल्कुल, ये देखो अगर मैं यहाँ पर रख लेते हम, कौन सी वैल्यू रखे, वन रख लेते हैं, यस एक्स की जगह अगर मैं वन रखती हूँ देखो, तो नेगेटिव की पावर जब ओड होती है तो रिजल्ट नेगेटिव आता है, ठीक है, जब भी ओड पावर होती है रिजल्ट नेगेटिव होता है, तो ये टू आ गया, ठीक है, ओड पावर की वजह से ये पॉजिटिव वन आएगा, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ओके, तो यहाँ पर ये वाला आंसर हो गया हमारा जीरो टू। ये वाले क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं, ये वाले क्वेश्चन जीरो आना चाहिए जब सॉल्व करेंगे। क्या बोल रहे हो कुमकुम? आपने 13th क्वेश्चन सॉल्व कराया है, इसमें आपने जब वैल्यू पुट की तो आंसर जीरो आ रहा है। यस मैम, अगर टू मतलब टू से भी करें तो भी जीरो ही आना चाहिए। अगर आप टू रखोगे ना जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है इसका मतलब रिजल्ट ही दो आ रहे हैं। अगर मैं इवन डिजिट्स रख रही हूँ ना तो आ रहा है जीरो, ओड रख रही हूँ तो आ रहा है टू, तो इसका मतलब दो ही आंसर आएंगे हमारे पास हर सिचुएशन में, ठीक है कुमकुम? ओके, इस वजह से सिर्फ ये दो ही आंसर हुए। और ये देखिए ये वाले क्वेश्चन भाई अभी करके देखिए, क्योंकि ये वाले कल भी डाउट ही होंगे, इसमें से या तो एक क्वेश्चन करके देखो, 17th क्वेश्चन करके देखिए। देखो तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए आपके हिसाब से? बी ऑप्शन आएगा मैम। ए मैम, बी मैम, ए आएगा मैम, आई आएगा मैम, हर किसी का अलग अलग है। चलो देखो अब हम कंफर्म करते हैं क्या होना चाहिए। देखो आप पहले इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है, फिर देखते हैं। देखो आई इज द सेट ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल्स और ई इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के, ठीक है। देखो अब हमें देखना है कौन किसका सबसेट हो सकता है, बी देखो ए आएगा मैम, बी ए आएगा मैम, आई आइसोसेलस ट्रायंगल इक्विलेटरल का सबसेट है। चलो अभी वही, अभी शांति एक मिनट, पहले हम डिस्कस करते हैं इस बारे में, समझते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखो आइसोसेलस ट्रायंगल में वैसे क्या होता है, दो साइड सेम होती है, लेंथ सेम होती है दो साइड्स की, तीसरे की डिफरेंट होती है, ठीक है, यस। और इसमें क्या होता है, तीनों सेम ही होती है, यस मैम, ठीक है। अब देखो इस चीज को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल की सिर्फ एक ही कंडीशन है, दो साइड सेम होनी चाहिए। इसका मतलब अगर तीनों साइड सेम है स्टिल ये एक टाइप होगा आइसोसेलस ट्रायंगल का, ये आइसोसेलस yes, कहलाएगा। यस मैम, एवरी इक्विलेटरल इज आइसोसेलस आल्सो, यस बिल्कुल, ठीक है। तो ये आइसोसेलस भी है, इक्विलेटरल भी है, ये वाला, या बिल्कुल। देखो तो देखो कौन सा ज्यादा बड़ा हुआ, आइसोसेलस, ये वाला ज्यादा बड़ा होगा, ये वाला छोटा होगा, तो ई हमेशा क्या होगा, सबसेट होगा आई का। इस वाली बात में किसी को डाउट है या नहीं है? देखो ये इसमें जितने भी आएंगे ना ट्रायंगल, वो सारे इसके अंदर जरूर होंगे, और इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ही होंगे, तो ये वाला बड़ा बनेगा, ये वाला छोटा, ठीक है। ई जो सेट है वो बड़ा बनेगा और आई छोटा, तो ये इसका हो जाएगा सबसेट। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है मैम, ट्वेल्थ बताना। ओके पहले 12 देखते हैं फिर 18 देखते हैं, ठीक है। देखो अगर मैं 12th क्वेश्चन की बात करूं, देखिए 12th क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 की पावर x आंसर होगा, ठीक है, सच दैट इसने बोल दिया x कोई भी पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसमें कोई भी पॉजिटिव नंबर पुट करती हूँ, काफी देर से कट रही है क्या, बीच में अभी कट रही है, बीच बीच में से, ये थोड़ा सा ओके, मैंने खुद एक मिनट बोला मैम, इस बार आएगी देख लेंगे, अब तो ठीक आ रही है।
हमारा आंसर बनेगा. ठीक है, तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर. अगर मैं यहाँ कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूंगी, देखो 1 रखा तो 2 आ रहे हैं, 2 रखूंगी तो 4. ऐसे देखो अगर मैं 100 रखती हूँ तो बहुत बड़ी फिगर आएगी. 100 में यहाँ पर कितनी वैल्यूज रख सकती हूँ? इनफाइनाइट फिगर्स रख सकते हैं. तो रिजल्ट क्या होगा? इनफाइनाइट. यस, समझ गए? देखो वैल्यू जब इनफाइनाइट पुट हो रही है तो रिजल्ट भी क्या होगा? इनफाइनाइट. सो ये हमारा इनफाइनाइट सेट बनेगा. ओके, अब देखिए 18th बताइए, 18th में क्या होना चाहिए? मैम आइसो राइट एंगल सबसेट होंगे आइसोलेंस के, क्योंकि हर एक आइसो राइट एंगल ट्रायंगल इंक्लूड होंगे आइसोलेंस ट्रायंगल्स के अंदर. बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट. आर सबसेट होगा. सी आंसर है मैम. सी आंसर है. जिसको ये चीज समझ नहीं ही आई हो उसके लिए देखो हम डिटेल में समझते हैं ये बात. वही आप एग्जाम्पल से समझोगे आपके लिए इजी रहेगा. आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल वही होंगे जिसमें राइट एंगल्ड ही होना चाहिए, कंपल्सरी है. ठीक है, बट अगर मैं बात करती हूँ एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की, देखो ये हो गया एक सेट R. अब इसने बोल दिया जो I सेट है, देखो I सेट के अंदर ये वाला भी ट्राइंगल आएगा. ठीक है, वो ट्राइंगल्स भी आएंगे जिनमें एंगल 90 नहीं बनेगा. ठीक है, तो देखो ये वाला सेट हमारे लिए ज्यादा बड़ा हुआ, ये वाला ज्यादा बड़ा हुआ. बिल्कुल, ये वाला हमारा ज्यादा बड़ा बनेगा. तो R इज अ सबसेट ऑफ I. ओके मैम, समझ नहीं आया. ओके, चलो देखो मानसी हम ध्यान से समझते हैं इसने क्या बोला हुआ है. R इज अ सेट ऑफ आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल. ठीक है, देखो राइट एंगल होना चाहिए. तो देखो मैंने इसके लिए ना एग्जांपल ले लिया, एक ट्राइंगल ले लेते हैं राइट एंगल्ड है, वन दो साइड्स की लेंथ 1 है, थर्ड की 2 है. वैसे 2 हो नहीं सकती, 1+1 √2 बनेगी. चलो ठीक है, कोई नहीं. ये देखो तो यहाँ पर ये हमारा आर के अंदर एक एलिमेंट ले लिया मैंने. ठीक है, ये एक ट्राइंगल हो गया. अब ये ट्राइंगल हमारा आइसोसेलेस है तो आइसोसेलेस के अंदर भी होगा. देखो आई सेट के अंदर भी होगा. इसके अलावा आई सेट के अंदर वो भी तो होंगे. ठीक है, देखो ये वाले भी तो होंगे जिसमें दो साइड सेम होगी बट एंगल कुछ भी हो सकते हैं डिफरेंट. ओके, तो देखो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट होंगे, आर के जितने भी एलिमेंट होंगे ना वो सारे आई में होंगे ही होंगे. बल्कि इसके अलावा आई के अंदर और भी तो ट्राइंगल्स बनेंगे जिनमें एंगल राइट एंगल नहीं होगा, एंगल जिनमें डिफरेंट होगा. मानसी क्लियर हुई ये वाली बात? ठीक है, तो आई बड़ा होगा आर छोटा होगा. ओके ठीक है, चलो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. मैम 20 क्वेश्चन बताना. मैम कौन सा? करीना 20. ओके 20, देखो 20th में क्या बोला हुआ है? ए इज दिस, बी इज दिस. कोई बताना चाहेगा क्या होना चाहिए इसमें? नंबर ऑफ ए लिख देती हूँ मैं. मैम बी में सबके ए का स्क्वायर आ जाएगा 1, 4, 9, 25, 49. बिल्कुल, तो इक्वल ही हो गए. अब देखो ये कौन सा ऑप्शन सही है, ए या सी? सी सही है. सी है मैम, क्योंकि हम फोर लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करते. यस, हमेशा एक कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होता है तो ये गलत है. यस ओके ठीक है. बिल्कुल, देखो बी कैसे निकला? इसने बोला हुआ है बी जो है ना एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और एक्स जो है एलिमेंट है ए का, तो सभी का स्क्वायर करना है. सिंपल, स्क्वायर करने से नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही रहेंगे. ओके ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहेंगे. ठीक है, अब ये देखिए ये वाला क्वेश्चन मुझे कौन बताएगा? 26 क्वेश्चन बताइए. 26 क्वेश्चन में क्या होना चाहिए आंसर? ए मैम. ए मैम.
या बिल्कुल ए आएगा. इसका रीजन सुपर सेट क्यों है? ये सबसे सुपर सेट है. तुषार आप मुझे इसका रीजन बताइए. मैम मैंने कल वाली क्लास लगाई नहीं अभी तक. रिकॉर्डिंग लूंगा सर से. ओके तुषार. बट अच्छे से कर लेना ठीक है. ओके अगर एक एक्सरसाइज स्किप मतलब दिक्कत होगी आपको. अर्पित आइए क्या होगा इस ऐसा क्यों हुआ? अर्पित बोल बोलिए ए कैसे आया? यस मैम. ए आंसर कैसे आया यहाँ पे? मैम एक्चुअली ये मेरा डाउट था. कब और कब लेने वाले थे आप मुझसे? मैम अभी मैं लेने वाला था जैसे आप आगे बढ़ रहे थे. मैम इसका आंसर ए नहीं होना चाहिए क्योंकि ई सुपर सेट है तो ई कॉमन आएंगे इनके बीच में. कॉमन तो ए आएगा. देखो हम इसको एक एग्जांपल में यस इसको आप ड्रॉ करके देखो. देखो ई जो है बड़ा है ए छोटा है. मैम इसमें सुपर ई बड़ा है छोटा मतलब वही तो देखो ई सुपर सेट है ए का. ई सुपर सेट का मतलब ई बड़ा है. सुपर सेट मतलब सबसेट अपोजिट. जैसे ए सबसेट है बी का तो बी सुपर सेट होगा ए का. सुपर मतलब जो सबसे बड़ा सेट होता है ठीक है. ई सुपर सेट है सिर्फ ए के लिए मतलब ए जो है ई के अंदर है. ओके मैम फिर तो ई आएगा. फिर तो ए ही आएगा मैम. हाँ जी कुणाल मैम इसे एक बार फिर से रिपीट करना. अच्छा सावन. ओके देखिए सावन इसमें है ए और ई का इंटरसेक्शन निकालना था मुझे और क्वेश्चन में बोला हुआ है जो ई है वो सुपर सेट है ए का. देखिए ई सुपर सेट है. सुपर सेट का मतलब होता है ई इज बिगर देन ए ठीक है. और ए जो है वो ई के अंदर लाई करता है. सुपर सेट होने का मतलब होता है ए सबसेट होगा ई का ठीक है. तो देखिए अगर ए सबसेट है मतलब इसका एक हिस्सा है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे कॉमन हिस्सा क्या आएगा? ए इटसेल्फ नहीं आएगा आंसर. ए आ जाएगा. यस ओके ये आंसर हो जाएगा ए. ऐसे अगर मैं यूनियन करती इन दोनों का देखो इन दोनों का यूनियन यूनियन करेंगे तो क्या बनेगा कुणाल? ई आएगा मैम. यस ये भी याद था मैम. ओके अब हम क्या अनामिका यूनियन ई कैसे आया है? यूनियन ई कैसे आया? देखो ए और ई का यूनियन मतलब क्या हुआ? देखो ए और ई को इकट्ठा करना है. ई है बाहर ए इसके अंदर है. मैं दोनों को अगर एलिमेंट्स को मिक्स करूंगी तो क्या रिजल्ट बनेगा? ई के ही सारे एलिमेंट नहीं आ जाएंगे? यस यस मैम. ओके अब बढ़ते हैं हम आगे की तरफ. मैम 27 बताना. 27 27 में क्या होना चाहिए? कौन बताएगा वैसे मुझे? ई आ जाएगा मैम. ई आएगा मैम. ई आएगा मैम. यस इसमें चाहे कुछ और दे रखा हो या ना दे रखा हो तो अगर ये लाइन लिखी हो या ना लिखी हो ई का ई के साथ ही तो यूनियन है. सेम का सेम के साथ करोगे तो सेम ही चीज आ जाएगी. यस मैम. मैम क्वेश्चन 32 बता दो. 32 यस ये देखिए 32 अगर हम देखें 32 में हमें दिया हुआ है देखिए ट्रायंगल और इसका मतलब हमें क्वेश्चन में दे रखा है ऑलरेडी. देखो अगर हम देखें मेनली इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है ये कहाँ से आ गया. बट एक्चुअल में देखो इसका मतलब हमें दे रखा है क्वेश्चन. हमें सिर्फ ए ट्राइंगल बी की वैल्यू निकालनी तो इसका मतलब हमें जस्ट ये वाली वैल्यू निकालनी है. तो देखो a माइनस बी निकाल लेते हैं. a में से b को हटाएंगे a माइनस बी क्या बनेगा? 1 2 1 2 4 1 2 4 यस यूनियन करना है b माइनस a के साथ. b में five, से a हटा दूं 5 7 5 7 5 7 ठीक है. देखो किसी को डाउट हो तो बोलिए. देखो b माइनस a का मतलब क्या था?
बिल्कुल ए आंसर आएगा. ठीक है, देखो बी माइनस ए कैसे आया, बी में से ए के सेम एलिमेंट हटाने होते हैं, राइट. देखो बी माइनस ए का मतलब क्या था, बी में से ए के सेम एलिमेंट हटाने हैं. ठीक है, ये थ्री सेम है तो थ्री हट जाएगा, फाइव और सेवन आ जाएगा. किसी को डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में? नो मैम. नो मैम. किसी को डाउट हो तो 28 बताना. 28 29 भी मैम. 28 बताओ, कौन हेल्प करेगा मेरी? 28 में क्या होना चाहिए? फाइनाइट नहीं हो जाएगा, बी आंसर आएगा. 5 5 आंसर आएगा. चलो देखो अब इस चीज को, बिल्कुल सही है 5 आएगा, बट कैसे आएगा मैम? जो ई है नोट का निशान लगा हुआ है कि जो ई नहीं है, ए और एफ नॉट कुछ भी, ए इंटरसेक्शन 5 होगा मैम. मिनट शांति शांति, ए इंटरसेक्शन ए हो मैम. कुनाल बोलेगा मैम ई नोट है जो, वो तो ए ही होता है. हैं ए इंटरसेक्शन ए 5 होता है, ये तो गलत रीजन था आपने. ए होता है, ए होता है मैम. जो ई नोट है तो वो यूनिवर्स का होगा. ई नोट तो 5 हो जाए. ई नोट तो मैम यूनिवर्स में जो बाकी एलिमेंट्स है वो हो जाएंगे. यस बिल्कुल रमन, आपकी बात सही है. प्रेजेंट नहीं होंगे. यस देखो इसी चीज को अगर हम डायग्राम से इस चीज को देखते हैं, बिल्कुल सही बोला है. ठीक है, देखो कुनाल आप समझिए, ये ए नहीं आएगा. ए और ई का इसने बोला हुआ है ई एक सुपरसेट है. ठीक है, ई बाहर है, ए अंदर है. ठीक है, अगर मैं ई का नोट निकालती हूँ, नोट का मतलब था ई के अलावा जितने भी एलिमेंट है वो. यस ठीक है, ई नोट का मतलब होगा ई के बाहर जो भी है. एक का मतलब है ये दोनों में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो 5 आएगा हमारे पास. ठीक है, देखो वेन डायग्राम से क्लियर हो जाएगा. ई नोट का मतलब है ई के अलावा जो भी है, अगर ए के साथ इंटरसेक्शन करें कुछ बनेगा ही नहीं. ई तो अंदर है और ई नोट बाहर. ओके, किसी को डाउट नहीं है इस टॉपिक में? नो मैम. देखो ऐसी ए और फाई का अगर मैं इंटरसेक्शन करती हूँ, फाई का मतलब क्या होता है? खाली सेट. यस, खाली सेट के साथ कॉमन निकालोगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं, खाली आएगा, कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता. ओके, अब हम इसमें देखिए, हम इसके मिसलेनियस पर आते हैं. एडिशनल क्वेश्चन बैंक में काफी बढ़िया क्वेश्चन है इससे कनेक्टेड. लाइक अगर मैं फर्स्ट की बात करूं, देखिए फर्स्ट में कौन बताएगा मुझे तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रॉपरली रीड करके देखिए. ए मैम. ए मैम. यस, ए आंसर आएगा. देखो अगर, ठीक है देखिए ऐसे क्वेश्चंस में वैसे, ठीक है ये वाला तो सिंपल था. अगर हम देखिए ये वाली लैंग्वेज इन दोनों में अलग थी, राइट. ये वाला हट जाएगा क्योंकि एक्स इज, इसका मतलब ही क्या होता है, x हमारा a के अंदर एलिमेंट नहीं है. ठीक है, तो इसका मतलब a और c में से आंसर होंगे. फिर अगर मैं देखूं, देखो a contains b और a does not contain b, इसके अकॉर्डिंग देखो a, इसका मतलब क्या हुआ, b सबसेट है a का. ठीक है, देखो a सुपरसेट हुआ, तो मतलब a contain करता है b को, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ओके, किसी को डाउट नहीं है इस क्वेश्चन में, तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं. मैम लास्ट कंडीशन बताना. सिंगल टोन वाली लास्ट वाली देखो, लास्ट में क्या बोला हुआ है, ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ए जो है वो बी के अंदर नहीं है. यस मैम. है ना, देखो इसका मतलब बी क्या होता है,
ये देखो वो चीज अभी बताते हैं. देखो अगर ए नॉट सबसेट है बी का, इसका मतलब ए अलग है और बी अलग है, ठीक है. ए जो है बी के अंदर नहीं है. सबसेट तभी होता है जब वो उसके अंदर कंटेन करता है. लाइक यहाँ पर ए जो है कंटेन करता है बी के अंदर है वो. इस केस में ए सबसेट होगा. अगर सबसेट नहीं है तो इसका मतलब वो उसके अंदर कंटेन नहीं करता. ओके देखो यहाँ पर इसने दिया हुआ है सेट जिसके अंदर जीरो है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब सिंगलटन सेट हुआ ना, ओनली एलिमेंट जीरो. ठीक है लक्ष्मी, लक्ष्मी का डाउट था ये. मैम वो बीच में देखा नहीं था, ये जीरो दिया हुआ है. ओके आगे देखते हैं हम. आपको इसके एडिशनल क्वेश्चन बैंक भी करने हैं, ठीक है. मैं कुछ जो डिफरेंट क्वेश्चन हम वो समझते हैं, ठीक है. मैं इसके नंबरिंग आपको बता ही देती हूँ कि आपको कौन कौन से नंबर तक क्वेश्चन करने हैं. मैम इसमें तो मैम रिलेशन के और फंक्शन के क्वेश्चन भी इंक्लूड होंगे ना मैम एडिशनल बैंक. तभी तो मैं कह रही हूँ इसमें से मैं आपको नंबर्स दूंगी कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको, ठीक है, ताकि एक टॉपिक साइड में हो जाए कम्प्लीटली. एक्सक्यूज मी मैम, अभी नाइन्थ, एक मिनट अर्पित, नाइन्थ क्वेश्चन कीजिए सभी. हाँ जी अर्पित बोलिए. मैम एक बार थर्ड क्वेश्चन देखोगे? हाँ बिल्कुल, इतने सभी नाइन्थ क्वेश्चन कीजिए या फिर थर्ड देखते हैं हम अर्पित के साथ. थर्ड में देखिए, थर्ड में क्या बोला हुआ है, री राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डअप. क्या बोल रहे हो अर्पित? मैम इसमें सी इंटीजर गिवन है लेकिन ऑप्शंस में कहीं पे भी इंटीजर नहीं है, लेकिन इसका आंसर सी है. ओह या एक्स इज अ होल नंबर. ये रिटर्न भाई इसमें क्लेरिकल मिस्टेक है, होल नंबर नहीं आएगा यहाँ पे. होती है मिस्टेक, ठीक है, या इंटीजर आएगा. क्यों होल नंबर से तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा. ओके भाई मैंने वो क्वेश्चन दिया था, वो क्वेश्चन नाइन्थ क्वेश्चन. हाँ जी सावन, फ्रैक्शन में कब हो? अगर ये फ्रैक्शन में आ जाता कौन सा पीछे वाला भी थर्ड क्वेश्चन. हाँ अगर फ्रैक्शन में होता तो वो तो फिर यहाँ लिखा होगा C is a set of real numbers between minus 15 and 15. तो बस यही फर्क होगा इसमें. Yes. ठीक है, वो तो यहाँ पे लिखा होता, ठीक है, real number and then यहाँ पर भी real number लिखा होता फिर. Okay ma'am. और अगर आप बात कर रहे हो A की तो A तो वैसे भी constant की वो consonant की वजह से dissatisfy होगा, ठीक है, ये सारे vowels हैं. ओके अब हम बात करते हैं भाई नाइन्थ क्वेश्चन पे थे हम. आएगा मैम इसका ऑप्शन क्या? कुमकुम मैम ये आंसर आएगा इसका. ये आ रहा है मैम, ये आएगा मैम. क्या बात है, गुड. देखो अब इस क्वेश्चन को हम समझते हैं. रीजॉइन करना है मैम? टाइम तो होने वाला नहीं, देखिए कोई नहीं. देखो अभी इस क्वेश्चन को तो कंप्लीट करते हैं हम. ए बी सी डी हमें देखो ई तक सेट दिए हुए थे. अब इसने बोला हुआ है बताइए इनमें से कौन कौन से सेटिस्फाई करते हैं. तो देखो वैसे एमसीक्यूज में करना कैसे है, आप पर्टिकुलर किसी ऐसे को ढूंढो जो बाकी ऑप्शंस में नहीं है. आप सभी स्टेटमेंट्स को देखने की बजाय कि सारे ट्रू है या नहीं है, आप पहले ऑप्शंस पर आइए, ठीक है. देखो अगर मैं ऑप्शन को फॉलो करूं, फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ ए और सी में है, सेट बी में नहीं है, ठीक है. तो पहले हम फर्स्ट को चेक करते हैं. अगर फर्स्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ऑटोमेटिकली बी आंसर होगा या डी नन, ठीक है. तो देखो फर्स्ट को अगर मैं देखूं, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट था क्या? बी सबसेट ऑफ ए. तो देखो बी में है, यस बिल्कुल सही है. देखो बी में ए और बी है, ए और बी जो है वो तो सबसेट होंगे ए बी सी का, ठीक है. ये ट्रू है, ट्रू है तो ए या सी में से एक आंसर होगा, ठीक है. फिर देखो ए और सी में देखो कौन सा ऐसा है जो दोनों में डिफरेंट है, वहीं से आपका आंसर आ जाएगा. आपको सारे नहीं देखने. यस थर्ड, थर्ड देखो इसमें है इसमें नहीं है, तो सिर्फ थ्री को सेटिस्फाई करके देख लेते हैं.
सी इज अ सुपर सेट ऑफ ई. देखो इसका मतलब क्या होता है, सुपर सेट. ई सी बड़ा है ठीक है, और ई छोटा yes. होना चाहिए ठीक है. Correct तो देखो सी yes, ये भी करेक्ट है. देखो सी yes, में ए बी डी है और ई में डी. ई के लिए ये इसका क्या होगा, सुपर सेट ठीक है. ई छोटा है और सी बड़ा, तो ए ऑटोमेटिकली आंसर हो जाएगा ठीक है. तो सभी को सेटिस्फाई करके मत देखना, जो डिफरेंट है सिर्फ उसी को करके देखना. ओके हां जी कनिका, क्या पूछना है आपको? मैम इसी क्वेश्चन की ना 11th एंड 12th कंडीशन को प्लीज एक्सप्लेन कर दो. हाँ बिल्कुल. देखिए 11th और 12th कंडीशन अगर हम देखें, देखो 11th कंडीशन में बोला हुआ है ए इज अ सबसेट ऑफ ए, बट सबसेट कभी भी ऐसा नहीं होता, सबसेट हमेशा ना ब्रैकेट्स में होता है ठीक है कनिका. तो ये तो बिल्कुल ही, ये वाला बिल्कुल ही गलत हो गया. ओके ठीक है. नेक्स्ट वन अगर हम देखें ऐसी, देखो एलिमेंट, एलिमेंट का मतलब होता है ये पूरी टर्म एज इट इज होनी चाहिए, ये पूरी एज इट इज हमारे सेट के अंदर होनी चाहिए. तो क्या ऐसा है? नो मैम, ब्रैकेट नहीं है ऐसे. ठीक है कनिका, क्लियर हो गई आपको बात? यस मैम, थैंक यू मैम. ओके मैम क्वेश्चंस बता दो इसके एडिशनल. हाँ जी बिल्कुल, कौन कौन से करने हैं अभी तक, यहाँ तक तो 13 14 15 33 थोड़े से ज्यादा ही जाएंगे, बस यहाँ तक, यहीं तक ही है, 47 तक है वैसे, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ठीक है. 40 तक, 47 तक कर लेना इसके क्वेश्चंस. ये एडिशनल क्वेश्चन बैंक के हैं, इनमें ज्यादा वैसे टाइम नहीं कंज्यूम होगा आपका. वैसे भी कल छुट्टी है. ओह ऐसा भी कुछ है, संडे है मैम, अगर कोई डाउट हुआ तो ले लेना. आगे भी है. हां जी कोई इशू नहीं है मैम, आगे भी आए क्वेश्चंस, बट इतने ठीक नहीं है. या और दूं? नो मैम, मैम हमें दिख ही नहीं रहा है. क्वेश्चन 47 करने हैं. देखो 47 क्वेश्चन करने एडिशनल क्वेश्चन बैंक के, और हमारी वो फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट होनी चाहिए ठीक है, जिसने नहीं की. मैम ओके मैम, क्वेश्चन बैंक वाले को क्या हम सिर्फ सॉल्व करने हैं ना, फेयर नोट बुक में तो नहीं लिखना होगा एडिशनल क्वेश्चन? नहीं नहीं ना, इनमें ऐसा कुछ है भी नहीं. आगे ये क्वेश्चन थोड़े से टिपिकल जरूर है, बट ये सिंपल है. जो आपको लगे ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है, आगे के क्वेश्चन ऐसे, वो हम जरूर नोट करेंगे नोटबुक में, अदरवाइज okay. बाकी सब सिंपल है. ओके okay. और एक और क्वेश्चन अगर हम करें, टाइम ही नहीं रहा एक क्वेश्चन करने का, लेस देन 1 मिनट आ गया. बाय मैम, बाय मैम, ओके बाय बाय. आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा. बाय मैम, बाय बाय, बाय मैम, बाय बाय, बाय मैम, मैम. हाँ जी एक बार रिपीट करना मैम होमवर्क. ओके होमवर्क है क्वेश्चन 47 करने हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक के ठीक है. 47 क्वेश्चन करने हैं एडिशनल क्वेश्चन बैंक के, और एक्सरसाइज फर्स्ट कंप्लीट करनी है. ओके okay.